तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सार्थक पेट लॉग एंड गेमिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम लोग, तो गाइस आज मैं मेरे टैंक में जो 3 फीट टैंक, तो गाइस आज जो बक्से थे वो हट चुके हैं। तो मैं आज मेरे टैंक के जो आप ग्लास देख सकते हो बहुत ही गंदा हो चुका है, साइड ग्लास भी देख सकते हो दोनों, तो वो लोग गंदे हो चुके हैं। और मेरे मुझे ऐसे भी लग भी रहा है कि अमोनिया जो है, अमोनिया नहीं क्या बोलते मैं भूल गया, लाइट पे आ चुका है, मतलब जो अपने टैंक के ग्लास पे आता है ना, ऐसे लाइट पर भी आता है। इसके वजह से मेरे टैंक लाइट की जो ब्राइटनेस है वो कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि मैं आज मेरे टैंक लाइट की जो क्या बोलते हैं उसे मैं भूल गया, अमोनिया नहीं नाइट्राइड या कुछ तो बोलते उसे, वो निकालने वाला हूँ। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैं मेरे ग्लास क्लीन करने वाला हूँ। तो ग्लास क्लीन करने वाला मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं ग्लास कैसे क्लीन करता हूँ। पर मैं आपको अपनी जो लाइट कैसे क्लीन करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वेलकम बैक टू माय सॉरी। तो गाइस, अगर अभी तक आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ग्लास क्लीन करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने ये ग्लास पूरी क्लीन कर लिए, थोड़ा अलग अलग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसके ऊपर ही उल्टा करके रखा है क्योंकि मैं बाहर नहीं लेके जाना चाहता हूँ, यही मैं साफ़ करूँगा। तो मेरा वो क्लॉथ का गया, इस क्लॉथ से सबसे पहले मैं इसे पूरा पोंछने वाला हूँ, क्योंकि पूरा गीला है, आप देख सकते हो शार्क जंप करता है तो पूरा पानी इस पर आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले से क्लीन करता हूँ, टॉप को क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लाइट को कैसे क्लीन करना है। तो क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है और बस ये यहाँ से ऐसे ऐसे साफ कर लेना है आपको, ठीक है ना। अभी मैंने क्लॉथ अच्छे से पोंछ लिया था, इसलिए इसके ऊपर की जो भी नाइट्राइट नहीं कुछ तो बोलते यार, मैं भूल गया अभी उसका नाम जो बोलते हैं, मैं भूल गया। तो बस इसे ऐसे कर लेना है, हो गया अच्छे से क्लीन ऊपर से नीचे से, आप देख सकते हो इसको ऊपर भी आ गया थोड़ा सा वाइट, ये वाला वाइट जो है, ठीक है। तो बस अभी ये ऐसा एक क्लॉथ लेना है और आपको उसके ब्लेड से क्लीन करने के बाद ऐसे क्लीन कर लेना है ऊपर से नीचे से, फिर यहाँ से सब बाजू से गीले क्लॉथ से कर लेना है, ये गीला क्लॉथ है, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद आपकी लाइट आप देख सकते हो अभी कितनी क्लीन हो चुकी है, ये देखो कुछ भी नहीं है। तो ये अपनी क्लीन हो गई है, अभी मैं एक काम करता हूँ, सब ऑन करता हूँ और आपसे ऑन करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, अभी आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ग्लास क्लीन करी है, लाइट क्लीन करी है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गया है, और आपको थोड़ा वाटर क्लाउडरी लग रहा होगा, क्योंकि ग्लास की जो गंदगी थी मैंने वो टैंक में ही डाल दी थी, उसके वजह से फिर वाटर क्लाउडी हो गया। पर कोई नहीं, एक आधा एक घंटे के बाद मैं आपको अपडेट दे कि ये वाटर के क्लीन होता है कि नहीं होता, तो देखेंगे आधे घंटे के बाद। और मेरा हीटर वहाँ का जा रहा है, मैं काम करता हूँ, हीटर भी सेट कर दूँगा। तो गाइज, मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आप सभी लोग को एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते, और मिलते हैं आप सभी लोग को एक अगले वीडियो में।